आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है, लेट देयर बी एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्टिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एज्यूम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू बी जीरो एट ओरिजिन, पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज। तो यहाँ पे देखो, हम लोग का ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, ये हम लोग का वाई एक्सिस है, हम लोग का एक्स एक्सिस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग को क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया गया है, ठीक है। और डायरेक्शन दिया गया पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, मतलब आई कैप की तरफ, ठीक है, न्यूटन पर कूलम ले लेते हैं। तो अभी हम लोग को यहाँ पे एज्यूम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू बी जीरो एट ओरिजिन, तो ये हम लोग का ओरिजिन है, तो वी ओ इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, एट ओरिजिन। तो पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो ये हम लोग का एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट मान लेते हैं। तो इसमें हम लोग का पोटेंशियल एट एक्स नॉट हम लोग का क्या है पूछा गया, ठीक। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जानना होता है, वो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है तुम्हारा डीवी माइनस ऑफ डीवी बाय डीआर, या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीआर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीआर तुम्हारा क्या होता है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल होता है, ठीक है। सो ये होता है तुम्हारा वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करने वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा डीवी क्या आएगा, डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट हम लोग का क्या है, ई वेक्टर हम लोग का क्या है, ई आई कैप, ठीक है, माइनस ऑफ ई आई कैप डॉट प्रोडक्ट विथ क्या है डी आर, अच्छा डी आर तुम्हारा क्या है डी एक्स है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, तो डी एक्स ये भी तुम्हारा आई कैप आ जाएगा, ठीक है। तो डी वी ये तुम्हारा वॉल्स पे आएगा पूरा आंसर, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप डॉट आई कैप वन हो जाएगा, माइनस ऑफ ई डी एक्स वी, ठीक है। अच्छा ये डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी एक्स वी मिला, तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, अच्छा ई तो हम लोग का कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से एक्स नॉट तक, ठीक है। तो जीरो से एक्स नॉट तक इंटीग्रेट किया, तो जीरो पे हम लोग का वी जीरो और एक्स नॉट पे हम लोग का वी एक्स नॉट, ठीक है। तो हम लोग का क्या आएगा, वी एक्स नॉट माइनस ऑफ वी जीरो विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई क्या जाएगा, माइनस ऑफ ई एक्स नॉट माइनस जीरो, है ना। तो वी एक्स नॉट विल बी इक्वल टू वी जीरो, तो हम लोग का क्या वी एट ओरिजिन हम लोग का क्या था, वी एट ओरिजिन हम लोग का जीरो था, तो वी जीरो विल बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये हम लोग का। तो वी एक्स नॉट क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई एक्स नॉट वी, वेयर वी इज द वोल्टेज, ठीक है, मतलब सॉरी वी इज द वोल्ट, ठीक है। तो ये हम लोग वोल्ट्स लिख देते हैं। सो हम लोग का जो पोटेंशियल है, ठीक है, तो पोटेंशियल हम लोग का क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल एक्स नॉट, वो हम लोग को क्या मिला, माइनस ऑफ ई एक्स नॉट वॉल्स, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।